हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। बांग्लादेश वर्सेस जिम्बाब्वे के बीच में फर्स्ट T20I मैच खेला जाएगा। ये मैच जिम्बाब्वे में खेला जाएगा और यहाँ पे बैट्समैन अच्छा खासा रन बनाते हैं, तो अपनी टीम में बैट्समैन ज्यादा रखना। कौन सा? बांग्लादेश के बैट्समैन, ठीक है। और जिम्बाब्वे के ज्यादा प्लेयर नहीं रखना, सिर्फ 4 प्लेयर, आपको वीडियो में बता दूंगा। और टेलीग्राम में जुड़ जाना, फर्स्ट कमेंट डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिलेगा। जिस टीम से मैं खुद खेलूंगा वही टीम आप लोगों को टेलीग्राम पे दूंगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बांग्लादेश वर्सेज जिम्बाब्वे के बीच में है फर्स्ट T20I मैच और ये दोपहर 4:30 बजे खेला जाएगा। मैच जिम्बाब्वे में है और पिच एकदम बैटिंग फ्रेंडली पिच है। पिच रिकॉर्ड के अनुसार देखोगे तो 31 मैचेस खेला गया, फर्स्ट बैटिंग करने वाला 20 बार, सेकंड बैटिंग करने वाला 21 बार विन किया है। टॉप प्लेयर परफॉर्मेंस में ये 6 प्लेयर का नाम आता है, जिसमें लिटन दास, मेहदी हसन, मुशफिकुर रहमान बांग्लादेश के प्लेयर की तरफ से, और यहाँ पे जिम्बाब्वे की तरफ से सीन विलियमसन, सिकंदर रजा और लुक जोंगबे। और ये 6 के 6 इंपॉर्टेंट प्लेयर है। अगर आप यहां पे देखोगे मुजराबानी और टंडे चटाला रूल आउट है, ठीक है, इंजर्ड है। और यहां पे मैचेस देखोगे हेड टू हेड में 16 मैचेस खेला गया, बांग्लादेश 11 बार और 5 बार जिम्बाब्वे विन किया है। हम लोग एक बार देख लेते हैं जब आमना सामना मैच हुआ समरी कैसा रहा था, जिसमें अगर आप देखोगे यहां पे तो जिम्बाब्वे ने 193 रन का पारी खेला था 5 विकेट को के, और यहां पे देखोगे तो 194 रन बनाया था किसने, बांग्लादेश, और किस कौन जीता था, बांग्लादेश। लेकिन रन बहुत ज्यादा बनाया, विकेट बहुत कम गिरा है, ये आप लोग ध्यान में रखना। जिसमें चकावा अच्छा खेला था, जो आपको विकेट कीपिंग सेक्शन में दिखेंगे, रियान बर्ड, लुक जोंगबे 2 विकेट लिया था, ठीक है, मैदी बारे अच्छा किया था बांग्लादेश की तरफ से, शरीफुल इस्लाम ने 1 विकेट लिया था। चलिए हेड टू हेड परफॉर्मेंस की बात करते हैं, तो ये पॉसिबल 11 है और ओपनिंग एनिमल हक लिटन दास कर सकते हैं, ठीक है। इधर से अगर आप देखोगे तो चकावा बहुत इंपॉर्टेंट है, इरविन, ये दोनों ओपनिंग करते हैं हमेशा जिम्बाब्वे की तरफ से, ठीक है। मैदी बारे आएंगे, सीन विलियमसन ये पार्ट टाइम बॉलिंग भी करते हैं, सिकंदर रजा, तो बेंच प्लेयर भी इंपॉर्टेंट है, खेल सकते हैं या नहीं भी खेल सकते हैं, हम सारा डिस्कस करेंगे स्टैट्स में। तो सबसे पहले बांग्लादेश के प्लेयर के बारे में जानते हैं, जिसमें नाम आता है एनिमल हक। अगर आप देखोगे रिसेंट परफॉर्मेंस तो उतना अच्छा नहीं है इसका। जिम्बाब्वे के अगेंस्ट में 2 मैच खेला, 48 रन बनाए, 24 का एवरेज है। फिलहाल मैंने अपने टीम में नहीं रखा। 16 मैच में 384 रन बनाए, 27 का एवरेज है, राइट हैंड बैट्समैन है। लिटन दास ये इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, विकेट कीपिंग सेक्शन में आपको दिखेंगे और ये आपको पॉइंट देके जा सकते हैं, ठीक है। 5 मैच खेला है, 193 रन बनाए, 48 का एवरेज है। लेकिन जिम्बाब्वे का बॉलर भी बहुत स्ट्रांग है भाई, आप जिम्बाब्वे को कम मत समझना कि बांग्लादेश को नहीं हरा सकता, हरा सकते हैं, ठीक है। सिकंदर रजा अच्छा बॉलिंग करते हैं, लुक जोंगबे अच्छा बॉलिंग करते हैं, सीन विलियमसन अच्छा बॉलिंग करते हैं, बहुत सारे बॉलर हैं। तो अगर देखोगे रिकॉर्ड 51 मैच में 980 रन बनाए, 20 का एवरेज है, स्मॉल लीग टीम में हम इनको लेके चल रहे हैं। नजबुल हसन के बात करते हैं तो इनको फिलहाल अगर आप बात करते हैं ग्रैंड लीग में ट्राई करना, वैसे रिकॉर्ड अच्छा नहीं है जिम्बाब्वे का, किसमें 1 मैच खेला, 11 रन बनाया, ठीक है। अगर मुनीम शहरीर के बारे में आपको बताते हैं, मुनीम शहरीर के बारे में बताते हैं 3 मैच में 23 रन बनाए, उतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं है, ठीक है, और जिम्बाब्वे के अगेंस्ट में खेला नहीं है, मैंने अपनी टीम में नहीं रखा है। आफिफ हुसैन ये इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ये पार्ट टाइम बॉलिंग भी करते हैं, राइट आर्म ऑफ ब्रेक बॉलिंग करते हैं, 44 मैच में 619 रन बनाए, 17 का एवरेज है और 9 विकेट भी लिया इसने। जिम्बाब्वे के अगेंस्ट में 4 मैच खेला है, 97 रन बनाए, 24 का एवरेज, 2 विकेट लिया, तो स्मॉल लीग टीम में इसे रख सकते हैं डिफरेंशियल टॉप पे। नूरुल हसन जीएल में ट्राई करना, वैसे हम मैंने ट्राई नहीं किया है क्योंकि 6 मैच खेला, ओनली 78 रन बनाया है जिम्बाब्वे के अगेंस्ट में, उतना अच्छा रिकॉर्ड है नहीं। मोदक हुसैन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बॉलिंग करेंगे और डिफेंसल पिक, इनका सिलेक्शन परसेंटेज बहुत कम होगा, 18 मैच में 225 रन बनाया, 20 का एवरेज है, राइट आर्म ऑफ ब्रेक बॉलिंग करते हैं, 6 विकेट भी लिया, यहाँ पे 1 विकेट 15 रन, 35 रन, 34 रन, 1 विकेट 39 रन। जिम्बाब्वे के अगेंस्ट में 3 मैच खेला है, 1 बार विकेट लिया, 47 रन बनाया। अब आते हैं बॉलर, इनके सारे बॉलर इंपॉर्टेंट, मेहदी हसन बहुत इंपॉर्टेंट है, कैप्टन बना सकते हो, 1 विकेट यहाँ पे, 1 विकेट 1 विकेट 1 विकेट 0-0, 1 मैच खेला है, 15 रन बनाया है, 2 विकेट लिया है, ठीक है, तो अच्छा रिकॉर्ड है, 34 मैच में 27 विकेट लिया है। एन अहमद बहुत इंपॉर्टेंट है, कैप्टन बना के चलना, अगर आप डिफेंसिव 4 मेंबर खेलते हो इनको कैप्टन या वाइस कैप्टन बना के चलना, 2 विकेट 2 विकेट 4 विकेट, जब विकेट लेंगे गुच्छे में लेंगे, 22 मैच में 28 विकेट लिया है, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग करते हैं। शरीफुल इस्लाम ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी विकेट लेके जाएंगे, 22 मैच में 27 विकेट लिया है, लेफ्ट आर्म मिड फास्ट बॉलिंग करते हैं, और यहाँ पे रिसेंट देखोगे 3 विकेट 2 विकेट 1 विकेट और 3 बार फ्लॉप भी रहा है, लेकिन जिम्बाब्वे के केस में 3 मैच खेला है, 6 बार विकेट लिया है, 6 विकेट लिया, तो स्मॉल लीग वाइस कप्तान आप इनको बना सकते हो। मुशफिकुर रहमान इनके मैन बॉलर है, लेकिन अभी इसका रिसेंट फॉर्म अच्छा नहीं चल रहा है, लेकिन बहुत बड़ा प्लेयर है, ये विकेट लेके जाएंगे। अगर पहले बांग्लादेश बॉलिंग करता है तो मुशफिकुर रहमान का बहुत खतरनाक चांस है विकेट मिलने का, ठीक है, 9 मैच में 18 विकेट लिया है जिम्बाब्वे के अगेंस्ट में,
ठीक है, कैप्टन बना सकते हो इनको। अगर बांग्लादेश पहले बॉलिंग करता है तो स्मॉल लीग टीम के कैप्टन एन अहमद को वाइस कैप्टन या सैफुल इस्लाम को वाइस कैप्टन। यहां पे बात करते हैं बेंच प्लेयर में, अगर हसन देखोगे, हसन महमूद 23 मैच में 21 विकेट लिया है, ठीक है। परवेज हुसैन 25 मैच में 23 रन बनाए हैं, 570 रन। तास्किंग अहमद 34 मैच में 23 विकेट, जिम्बाब्वे के अगेंस्ट में 3 मैच खेला सिर्फ 1 विकेट लिया। मेहदी हसन मिराज खेल सकते हैं, अगर ये खेलते हैं तो कन्फर्म विकेट लेके जाएगा, 13 मैच में देखोगे 4 विकेट लिया है और अच्छा रिकॉर्ड है, जिम्बाब्वे के अगेंस्ट में खेला नहीं है। जिम्बाब्वे के प्लेयर के बारे में सबसे पहले नाम आता है चकावा, ओपनिंग करता है, इनका रिकॉर्ड अभी रिसेंटली बहुत अच्छा चल रहा है, देखो 27-30-31 रन, 38 मैच में 612 रन, 17 का एवरेज है। राइट हैंड बैट्समैन है, बांग्लादेश के अगेंस्ट में 6 मैच खेला है, 109 रन बना, 18 एवरेज है। आप इनको रख सकते हो, ड्रॉप भी कर सकते हो, फ्लॉप भी हो सकता है, ये इरविन भी फ्लॉप हो सकता है, ये दोनों प्लेयर फ्लॉप हो सकते हैं। 46 मैच में 974 रन बनाए, 23 का एवरेज है, लेफ्ट हैंड बैट्समैन है, ठीक है। और यहाँ बांग्लादेश के अगेंस्ट में 5 मैच खेला 83, दोनों को फ्लॉप करके चल सकते हो। फिलहाल मैंने इनको स्मॉल लीग टीम में रख लिया क्योंकि हमें बांग्लादेश के बॉलर भी रखना है अपनी टीम में, ठीक है। यहाँ पे वैसले मैदी बैरे, अगर ये आपको बैटिंग सेक्शन में दिखता है तो इरविन को ड्रॉप करके आप इनको ले लेना, इरविन को ड्रॉप करके इनको ले लेना, डिफरेंशियल पिक हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इनका सिलेक्शन परसेंटेज बहुत कम है, 2 विकेट 1 विकेट 4 विकेट, देखो ये विकेट भी लेता है, 5 मैच में 154 रन बनाया, 1 विकेट लिया जिम्बाब्वे के अगेंस्ट में, 33 मैच में 9 विकेट लिया है, 23 का एवरेज है। राइट आर्म ऑफ ब्रेक बॉलिंग करते हैं, सिन विलियमसन ये इंपॉर्टेंट है, 1 डाउन बैटिंग करेंगे, और इनका रिकॉर्ड देखो 1 विकेट 28 रन 1 विकेट 22 रन 1 विकेट 37 रन 57 53 रन, सेफ, अगर आप सेफ कैप्टन बनाना चाहते हो सिन विलियमसन को बना सकते हो। 55 मैच में 1231 रन बनाए, 25 का एवरेज है, 36 विकेट लिया। बांग्लादेश के अगेंस्ट में 11 मैच खेला, 105 रन बनाया, 1 विकेट लिया। सिकंदर राजा ऑलराउंडर सेक्शन में दिखेंगे, 4 नंबर पे बैटिंग करने आएंगे, 55 मैच खेला है, 913 रन बनाया, 26 विकेट लिया। राइट आर्म ऑफ ब्रेक बॉलिंग करते हैं, 19 रन 22 रन 82 रन 1 विकेट 1 विकेट 17 रन और 87 रन, 12 मैच खेला है जब बांग्लादेश के अगेंस्ट में, 5 विकेट लिया, 95 रन बनाया। यहाँ पे बात करते हैं मिल्टन सुम्बा, इनका रिकॉर्ड उतना अच्छा नहीं है इसलिए मैं ज़्यादा इनके बारे में डिस्कस नहीं करूँगा। फिर यहाँ पे टॉनी मयोंग, अगर आप देखोगे 6 मैच में इसने सिर्फ 109 रन बनाया, इनका भी रिकॉर्ड उतना अच्छा है नहीं। रेयान बर्न ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफेंसल पिक है और ये आपको कन्फर्म पॉइंट देके जाएंगे, ठीक है, इनको आप ट्राई कर लेना अगर ये खेलता है। 44 मैच में 642 रन बनाए, 32 विकेट लिया है, और बांग्लादेश के अगेंस्ट में 5 मैच खेला है, 4 विकेट लिया। तो अभी तक अगर जिम्बाब्वे का सबसे अच्छा प्लेयर देखोगे बांग्लादेश के अगेंस्ट में जो खेला है वो कौन है, रेयान बर्न। तो इनका सिलेक्शन परसेंटेज पे मत जाना, प्लेयर बहुत बड़ा है, आप इनको अपने स्मॉल लीग 4 मेंबर 2 मेंबर हर टीम में रख सकते हो। फिर यहां पर बात करते हैं वेलिंगटन मसाकांडा, 2 विकेट 1 विकेट 0 विकेट 1 विकेट, रिसेंट परफॉर्मेंस है, 33 मैच में 30 विकेट लिया, बांग्लादेश के अगेंस्ट में 5 मैच खेला 6 विकेट, इनका भी रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। किसका, मसाकांडा का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, आप इनके साथ जा सकते हो। लुक जोंगबे, इनको आप डिफेंसल तौर पे ले लेना, हर मैच में विकेट लेके जा रहे हैं, 6 मैच खेला है बांग्लादेश के अगेंस्ट में, 7 विकेट लिया है, 35 मैच खेला है अभी तक, 45 विकेट लिया है, इकोनॉमिक 8 का है, राइट आर्म मिडफास्ट बॉलिंग करते हैं, मैंने इनको रखा अपनी टीम में, ठीक है। रिचर्ड, यहाँ पे बात करते हैं नकरवा, अगर आप यहाँ देखोगे इसका रिसेंट तो हर मैच में विकेट लेके जा रहे हैं लेकिन बांग्लादेश के अगेंस्ट में फ्लॉप रहा है, 21 मैच में 20 विकेट ले चुका है, राइट आर्म लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट बॉलिंग करते हैं। बेंच प्लेयर में कौन कौन इंपॉर्टेंट हो सकते हैं अगर इनमें खेलते हैं, तो इनमें से कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है बेंच प्लेयर, आप देख लो रिकॉर्ड आपके सामने है, ठीक है। इनोसेंट काया 8 मैच में 119 रन बनाया है, ठीक है। तनाका अगर आप देखोगे 13 मैच में 12 विकेट लिया है। ती मरुमानी देखोगे तो यहाँ पे 13 मैच में 12 का एवरेज है, उतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं है। विक्टर का भी देखोगे 14 मैच में 23 विकेट लिया है लेकिन बांग्लादेश के अगेंस्ट में खेला नहीं है और कंटिन्यू फ्लॉप भी रहा है। अब हम लोग बात कर लेते हैं प्लेयर बेटल, ठीक खेलते हो तो प्लेयर बेटल आप लोग ध्यान से देखना। सी इरविन को मुस्तफिजुर रहमान ने आउट किया 2 बार, सिन विलियमसन को मोदक हुसैन ने 1 बार आउट किया, लिटॉन दास जिनका सिलेक्शन परसेंटेज बहुत ज्यादा है, सिकंदर रजा ने 1 बार आउट किया है। अब हम लोग टीम क्रिएट करते हैं, मैंने यहाँ पे विकेट कीपर में लिटॉन दास के साथ गया हूं। आप चकावा के साथ जा सकते हो कब, जब आपको लगता है बांग्लादेश पहले बॉलिंग करेगा, ठीक है। इरविन के साथ गया हूं, सुम्बा के साथ गया हूं, ए हुसैन के साथ, यहां पे आप मोदक हुसैन के साथ जा सकते हो अगर वो खेलता है तो, ठीक है। सिन विलियमसन, सिकंदर राजा, यहां पे मेहदी हसन मिराज, मुस्तफिजुर रहमान, एन अहमद, एस इस्लाम, 5 बॉलर को लिया हूं। किस लिए लिया हूं, अगर बांग्लादेश पहले बॉलिंग करता है तो ये टीम है, अगर बैटिंग करता है तो मैं बैट्समैन ले लूंगा, 1-2 बैट्समैन ले लूंगा, ठीक है। तो अगर आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं जुड़ जाइएगा, फर्स्ट कमेंट डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिलेगा जहां मैं फाइनल टीम देता हूं।
इस गेम में वित्तीय जोखिम की संभावना शामिल है और इसकी लत लग सकती है। कृपया जिम्मेदारी से और अपने जोखिम पर खेलें। अगर वीडियो पसंद आया हो प्लीज एक लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।